अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर है समीर रमजान अकेडमी के साथ। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। दोस्तों जैसे कि काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरे चैनल पर काफी दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। और इसका रीजन ये है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, और दुआ करें कि ये बिजी शेड्यूल थोड़ा खत्म हो जाए ताकि आप लोगों को भी मैं टाइम दे सकूँ। जैसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपडेट्स वगैरह शेयर करता था और जैसे आप लोग पहले मेरी वीडियो का वेट करते थे, वैसे आप लोगों को जो है मैं अपडेट देता रहूं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है एसटीएस 5 to 15 के हवाले से बात करूंगा, उनके टेस्ट के शेड्यूल के हवाले से और टेस्ट की स्लिप्स के हवाले से, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो है वो टेस्ट के शेड्यूल को लेकर और स्लिप्स को लेकर परेशान है, क्योंकि कहीं से भी किसी को भी जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि क्या सच में टेस्ट वगैरह होने जा रहे हैं या फिर स्लिप्स वगैरह अपलोड होंगी कि नहीं होंगी, क्या होगा, किसी को भी कोई जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और इसका रीजन ये है कि आईबीए वाले जो है वो अपनी बात जो है वो लीक नहीं कर रहे। वो रीजन ये है कि पहले इन लोगों ने जो है वो जब पीएससी और जीएसटी के टेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने इन्वेजिलेशन की इनकी कोई जो है वो क्या कहते हैं कि इन्वेजिलेटर्स जो थे उनकी लिस्ट जो है वो लीक हो चुकी थी, यानी कि किसी ने शेयर कर दी थी। और फिर उससे ये हुआ था कि अप्रोच वगैरह हो रही थी कि भाई अगर कोई किसी का जानने वाला था बंदा या फिर कॉन्टेक्ट वगैरह उससे करके और अप्रोच कर रहे थे। तो फिलहाल आईबीए वालों ने जो है वो अपनी प्राइवेसी रखी हुई है, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी प्राइवेसी की वजह से। और आईबीए का जो अभी मयार जो है वो इसी वजह से, क्योंकि ये प्राइवेसी रखते हैं अपनी। तो अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ हो सकती है, क्या हो सकता है और क्या क्या होगा, क्या सच में टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो लोग मेरे जानने वाले हैं जो आईबीए में काम करते हैं, जो तो उन लोगों ने मुझे यही बताया कि अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ये, लेकिन आगे वाली चीज ये नहीं कि भाई अभी जो मैंने चीज कही तो उसको आप जो है वो यहीं पे ही खत्म कर दें, क्योंकि मे बी वो लोग भी रॉन्ग हो सकते हैं या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि उनको ये कहा गया हो कि भाई आप लोग जो है वो अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी लीक ना करें। ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। और दूसरी चीज ये देखें, अभी जो शेड्यूल शेयर हो रहा है वो हो रहा है मीरपुर खास डिवीजन का। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई 16 डेज से लेकर और आगे शायद 21 तक या फिर जो है शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, तो 16 से यानी कि 15 तक जो है इलेक्शन होने हैं और 15 से इलेक्शन जो है खत्म हो जाएंगे, 16 पे जो है फ्री हो जाएंगे। और 16 से इन लोगों ने टाइम जो रखा है वो इवनिंग का रखा है, और इवनिंग का इसलिए रखा है ताकि इनके जो है वो सुबह को जाहिर सी बात है स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी जो भी है कॉलेज वगैरह तो वो चलेंगे, और फिर इवनिंग में इन लोगों ने जो शिफ्ट रख दी है 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे भाई इन्होंने इवनिंग टाइम पे रखा है तो पॉसिबल हो सकता है कि भाई टेस्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि 16 डेट पे रखा है तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि 15 पे इलेक्शन खत्म होंगे और 16 से जो है टेस्ट अपने स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें। और उसके बाद देखें एक चीज और, ठीक है, मैं आप लोगों को अभी एसटीएस पोर्टल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, अगर आप अपनी एसटीएस पोर्टल को ओपन करेंगे, अपनी आईडी ओपन करेंगे, वहां पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आता है वहां पे एक्टिव प्रोजेक्ट्स। अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे तो वो वाला ऑप्शन भी आपका ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो माई प्रोफाइल होगी, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो वाला आपका ऑप्शन भी लोड होकर कंप्लीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी अप्लाइड एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपका ऑप्शन जो है वो लोड होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट स्कोर है और दूसरी चीजें हैं। ठीक है, टेस्ट स्कोर है, उसके बाद आपकी क्यूरी है, न्यू क्यूरी है या फिर पुरानी आपकी क्यूरी जो भी है वो ओपन करेंगे, वो वाला ऑप्शन भी आपके ओपन हो जाएंगे। लास्ट में आपका हाउ टू अप्लाई है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो वो वाला आपका ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। सारे आपके ऑप्शन जो है वो लोड होके कंप्लीट होके आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक आपका ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं हो रहा। कौन सा ऑप्शन? डाउनलोड स्लिप्स वाला। ठीक है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं जैसे ही तो लगातार वो जो है प्रोसेसिंग में चला जाता है, प्रोसेस करता है, लोडिंग करता है, लेकिन कोई भी चीज आपके सामने नहीं आती है, लगातार प्रोसेसिंग में डूब जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके सामने कोई भी रिजल्ट नहीं आती है, आपका जो है वो प्रोसेसिंग में ही चला जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग ये अंदाजा लगा लें कि भाई ये स्लिप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, इस ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट का सिस्टम ये होता है कि अगर कोई किसी चीज को, किसी ऑप्शन को, किसी टैब को कोई लोग अगर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर जो वेब डेवलपर हैं वो अगर किसी चीज पे काम करते हैं तो वो फिलहाल चीज जो है वो बफरिंग में यानी कि प्रोसेसिंग में चली जाती है, कोई भी आपको रिजल्ट वहां पे नहीं मिलती, या फिर कोई ऐसा एरर आ जाता है या फिर प्रोसेसिंग में चली जाती है और आपको लगातार जो है वो प्रोसेसिंग में ही दिखाते हैं लेकिन कोई भी चीज आपके सामने रिजल्ट कोई भी नहीं आता फाइनल। ठीक है, तो इससे भी ये अंदाजा लगा लें कि भाई आपकी जो है वो स्लिप्स वगैरह अपलोड हो रही है तो ये पॉसिबल है कि भाई आपके टेस्ट में भी हों। ठीक है, तो एक चीज ये। अच्छा, उसके बाद फाइनली मैं आपको ये चीज कहूंगा कि भाई भी देखें शेड्यूल जो शेयर हो रहा है वो मीरपुर खास डिवीजन का शेयर हो रहा है, तो इसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सबसे पहले ये लोग जो है वो मीरपुर खास डिवीजन को क्लियर करवाएं, क्योंकि
देखिए इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तकरीबन 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट बता रहे हैं कि इतने लोगों ने, इतने कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई किया है उन्होंने, ठीक है, 5 to 15 वाली जॉब्स में। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये फिलहाल मीरपुर खास डिवीजन को कवर करें, उसके बाद दूसरी डिवीजन को, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि भाई अगर ये टेस्ट होने जा रहे हैं तो क्या आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन की है या फिर नहीं की है, तो उस हवाले से मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो उस हवाले से एक तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे नटशेल में बात कर देता हूँ, ठीक है, नोट्स के हवाले से। और इससे हवाले से मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अभी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मैंने 5 to 15 के हवाले से जो है वो एक कोर्स चलाया था कंप्लीट, ठीक है। तो अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्या आप लोग वो कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्स जो मैंने स्टार्ट करवाया था वो 45 डेज का था, और उसमें लेक्चर्स जो थे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, और मैं व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो लोगों को सेंड करता था अपने कैंडिडेट्स को जिन जिन लोगों ने मेरे पास जो वो कोर्स किया है, ठीक है। एक चीज ये अच्छा, इसमें अभी आपके पास दो ऑप्शन है। एक, अगर आप लोग सिर्फ नोट्स लेना चाहें मुझसे, क्योंकि नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं स्पेशली इंग्लिश के बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, बाकी भी आपके जो है वो जनरल नॉलेज के भी हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं, इस्लामियात वगैरह सारे नोट्स जो भी आते हैं सारे उसमें आ जाते हैं, और इंग्लिश के नोट्स हैं माशाल्लाह वो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, और इनके जो पास पेपर्स होते हैं उनमें से लिए हैं मैंने, ठीक है, आपको बहुत पसंद आएंगे, 45 डेज के हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप लोगों को जो वो नोट्स आप लोगों को मिल जाए, मुहैया हो जाए, और आप वहाँ से प्रिपरेशन करें, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, ठीक है, मेरा नंबर आप लोगों को जो है ऊपर शो रहा। अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए तो 2-3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि सेंड कर दूंगा, ठीक है, 45 डेज के नोट्स हैं, और उसके लिए आपको ₹200 जो पेड करने पड़ेंगे, मेरे इजी पैसा अकाउंट भी आपको नंबर मेरा ऊपर शो रहा, ठीक है। और इस कोर्स में मैंने कंप्लीट वीडियोज वगैरह भी बनाई थी, अगर आप लोगों को नोट्स प्लस में वीडियोज भी चाहिए, ठीक है, एक आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए, ठीक है, दूसरा आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर आपको वीडियोस और नोट्स दोनों चाहिए, ठीक है, अगर आपको ओनली नोट्स चाहिए तो आपको ₹200 जो है पेड करने होंगे, ठीक है, और अगर आपको वीडियोस प्लस नोट्स चाहिए तो आपको ₹400 पेड करने होंगे मेरे अकाउंट पे, इजी पैसा अकाउंट पे, ठीक है। और इसमें आपके जो वीडियोज वाले हैं, वीडियोज आपको जो है मैं विद इन 1 वीक के अंदर आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोज जो है वो उनके थोड़ा क्या कहते हैं कि MB जो है थोड़ी ज्यादा है, तो वो एट अ टाइम सेंड करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो तकरीबन जो है वो 5-6 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो वीडियोस वगैरह और प्लस में नोट्स वगैरह जो है वो 45 डेज के जो है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वीडियो लेक्चर्स आपके जो है वो स्पेशली एक इंग्लिश का है, इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं, और दूसरे जो है वो आपके मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के भी हैं डिटेल में, जो कि ऑलरेडी मेरे जो है चैनल पर भी अपलोडेड हैं, लेकिन अलग से भी जो है वो मैंने अपने, अगर आपको, आप कहते हैं कि भाई हम चैनल से ना देखें, अलग से आप लोग हमें जो है वो प्रोवाइड करें, तो मैं आप लोगों को अलग से भी प्रोवाइड करूंगा जो है वो व्हाट्सएप पे, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड करके वो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नटशेल में मैंने बता दिया है आप लोगों को, और इसकी अलग से मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आप लोग जो है वो कंप्लीट अच्छे से सुन के और वहां से आप लोग जो है वो उसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, यकीन आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि क्या सच में टेस्ट होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, और अगर आपको अभी प्रिपरेशन करनी है तो क्या अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।